हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिवगंज तहसील क्षेत्र में मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के बंद होने के 10 माह बाद सोमवार को पूर्ण स्कूलों के छात्रों में कक्षाएं संचालित की गई। पहले चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की कक्षाएं शुरू की गई। इसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कक्षा कक्षों में छात्रों को बिठाया गया। राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में फिलहाल बच्चों को स्कूल भेजने की अनुमति नहीं दी गई है। स्कूल आने के लिए बच्चों को किसी प्रकार के बाध्य नहीं किए जाने से पहले दिन कम संख्या में ही छात्र पहुँचे। वहीं अधिकारियों ने भी पहले दिन स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गांव पोसालिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लॉकडाउन के बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को विद्यालय में ही आगमन हुआ। तहसीलदार रणछोड़ लाल व शशि चौरडिया ने विद्यालय का निरीक्षण कर कोरोना गाइडलाइन की पालना का जायजा लिया। जागरूक टीवी के लिए पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।